आशीर्वाद है हमारे माता पिता का, यही हमें लाइफ में अपने सर्वोच्च स्थान पे ले जाता है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि आपको जरूर आना है यहाँ पे अपने सिटी लाइफ को छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मनाली में और आज हमारा मनाली का डे 3 है। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम जा रहे हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल जो पड़ता है ओल्ड मनाली के पास। तो फ्रेंड्स चलिए आज जा रहा हूँ मंदिर और टेम्पल जाने के बाद आज ही मैं यहाँ से मनाली से रिटर्न हो रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं और आपको पूरा दिखाता हूँ मैं हिडिम्बा देवी टेम्पल का वातावरण कैसा है, कहाँ से कैसे क्या जाना है, पूरा मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ओल्ड मनाली से हिडिम्बा देवी टेम्पल के लिए आपको किसी भी व्हीकल की या किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल पैदल ही आप आराम से हिडिम्बा देवी टेम्पल जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको चाय के यहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे, लोकल मार्केट भी मिल जाएगी आपको कुछ परचेजिंग करनी हो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को यहाँ से मालूम चला है कि हम लोग को ट्रैक करते हुए ऊपर जाना है हिडिम्बा देवी की तरफ, तो अभी हम लोग वहीं ट्रैक करके जाने वाले हैं। कि फ्रेंड्स ये रास्ता जा रहा है हिडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ की ब्यूटी देखिए आप, मनाली के बीचों बीच में नेचुरल ब्यूटी के बीचों बीच में टेम्पल बना हुआ है। इस टेम्पल को देखिए आप, वाह दोस्तों देखिए ये है मंदिर हिडिम्बा देवी माता का मंदिर मेरे जस्ट पीछे। देखिए क्या, कोई शब्द नहीं है मेरे पास धार्मिक चीज़ों के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं उनकी, आप भी आइए और यहाँ दर्शन करिए, माता का आशीर्वाद लीजिए और मनाली के अपने सफ़र को पूरा कंप्लीट करिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मुझे मालूम चला है कि टेंपल के अंदर जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो अलाउड नहीं है, तो मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अगर हिडिम्बा देवी टेंपल के अंदर आएं तो आप बाहर फोटोग्राफी जो भी करना है कर लीजिए, बट आप मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी मत करिए और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जो चीज़ हमें मना करी गई है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आइए और माता जी के दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए एक बार, क्योंकि जो आशीर्वाद है ईश्वर का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का, यही हमें लाइफ में अपने सर्वोच्च स्थान पर ले जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर और उसके बाद आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा फील आया अंदर जाके और अंदर मुझे कैसा महसूस हुआ। कि दर्शन कर लिए हैं और आप मेरे मस्तक पर देख रहे होंगे ये टीका। और हिडिम्बा देवी टेम्पल दर्शन करने के बाद आप देखिए उसके जस्ट पीछे ही ये डुंगरी वन विहार, ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पार्क बना हुआ है बैठने के लिए, आप यहाँ पे जाके आराम से बैठ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस पार्क के अंदर, देखते हैं वन विहार के अंदर इसके अंदर क्या है, हमें क्या यहाँ पे मिलता है। फ्रेंड्स ऊपर जैसे ही मैं चढ़ा तो देखिए यहाँ पे आनंद पास फ्रूट जूस सेंटर, यहाँ पे जूस और स्नैक शॉप हमें मिल गई है, बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था है यहाँ पे। हिडिम्बा देवी टेम्पल के जस्ट पीछे ये पार्क बना हुआ है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट, बैठने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, झूले लगे हुए हैं अगर बच्चे हैं तो आप यहाँ पर उनके लिए भी ध्यान रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स जूस कॉर्नर, कॉफ़ी शॉप, मैगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। देखिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे, कैसा आप लोग लग रहा है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, अच्छा भरा हुआ जगह ऑक्सीजन से जी, प्लस मतलब सिटी के लाइफ से थोड़ा शांति है यहाँ पे जी, और बाकी सुंदरता तो नेचर में है ही, मतलब नेचर का बेसिकली प्रॉपर ब्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा ये पब्लिक रिएक्शन था और अभी मैं मैम से पूछता हूँ, मैम आप क्या फील कर रही हैं यहाँ पे, क्या आप बोलना चाहेंगी हिडिम्बा देवी टेम्पल और इस नेचर ब्यूटी के बारे में, क्या आप बोलेंगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आपको ज़रूर आना है यहाँ पे अपने सिटी लाइफ को छोड़ के एक एस्केप ढूंढने के लिए,
और जरूर आओ, घूमो एंड हैव अ ग्रेट टाइम हियर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो गाइज, आपने देखा, ये था यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनका कुछ यहाँ नेचुरल ब्यूटी के लिए उनका रिएक्शन। फ्रेंड्स, अभी मैंने एक वेज मैगी और एक चाय ऑर्डर कर दी है। तो सर, चाय का यहाँ पे क्या प्राइस है? 20 रुपये। तो जो चाय है उसका जो प्राइस है वो 20 रुपये है। तो अभी मैं चाय और मैगी लेने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ऑल सेट, चाय हमारी रेडी है, मैगी हमारी रेडी है और मैं इसको एंजॉय करने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई होप मेरे साथ साथ आप डिजिटली एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो कर ही देना यार, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल भाई, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं से ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।